आज आज हमें आज हमारे राजपाल राजपाल के समक्ष हम लोग सभी आदिवासी एकजुट हो गए, क्योंकि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री ये आदिवासी मुंबई के द्वारा 2019 में हम लोग चुन के भेजे हैं, यहाँ के आदिवासियों के सुख सुविधा और विकास के लिए काम करने के लिए भेजे हैं। लेकिन ये हमारे बीजेपी सरकार के इशारे में सभी जांच एजेंसियों को इस्तेमाल करके हमारे झारखंड सरकार को गिराने के लिए ये इस तरह का काम कर रहे हैं। सभी आदिवासी समझ गए हैं कि 2000 चुनाव से पहले झारखंड सरकार को गिराया जाए, फिर से झारखंड में बीजेपी सरकार अपनी सरकार को कायम करना चाहता है। लेकिन सभी आदिवासी समझ गए हैं ऐसा कभी नहीं होगा, सभी आदिवासी मूलवासी सब एक हो गए हैं। अब चाहे लोकसभा या विधानसभा, सभी गठबंधन के तहत सभी आदिवासी उनके जो प्रत्याशी होंगे, जो गठबंधन के उनके वोट पाएंगे, और इनका जो ईडी सीबीआई चाहे जितने भी पुलिस प्रशासन लगता है आदिवासियों और मुंबई को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री का 5 साल का कार्यकाल है, स्वतंत्र रूप से इसमें काम करने का मौका दिया जाए। और हम लोग ईडी सीबीआई का विरोध करते हैं, ईडी सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, अपने कार्य को अपने अधिकार को पहचाने, किसी केंद्र सरकार के झांसे में वो न आए और इस तरह हमारे झारखंड सरकार को दबाने का काम ना करे। इसीलिए मैं आज हमारे रांची जिला जो राज्यपाल महोदय के जो संग्रहालय के समक्ष हम लोग आए हुए हैं और सभी ईडी सीबीआई को आगाह करना चाहता हूँ, इस तरह आप केंद्र सरकार के बीच लागू ना बने, आप अपने अधिकार को पहचानो और अपने अधिकार के तहत आप चाहे सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष हो, जो भी गलत करता है, जो भी भ्रष्टाचार नेता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे गठबंधन का हो, सभी नेताओं के ऊपर ईडीआई और सीबीआई जांच करना चाहिए, ये उनका अधिकार है। लेकिन आज केंद्र सरकार के निर्देश पर, उनके दबाव पर, जिस तरह सिर्फ सत्ताधारी झारखंड सरकार के ऊपर इस तरह सीबीआई का दबाव डाल करके हमारे हेमंत सोरेन को दबाने का और गिराने का जो काम कर रहा है, बिल्कुल ये संविधानिक खिलाफ है। इसीलिए सभी आदिवासी मूलवासी इसका विरोध करते हैं और हमेशा विरोध करेंगे। अगर हमारे सरकार को किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो ये जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सब जान चुके हैं ये केंद्र सरकार, ये पूंजीपतियों का कॉर्पोरेट घराने का सरकार है, अपने साथियों को जैसे हम लोग देखते हैं उनका जो विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो, अब पैसे लेकर के लोग विदेश मांग गए हैं, लेकिन ईडी सीबीआई बंद है, हमारे राज्यपाल की मुंह बंद है, हमारे राष्ट्रपति की मुंह बंद है, सभी न्यायपालिका की मुंह बंद है। इससे ये पता चलता है कि हमारे केंद्र सरकार सभी एजेंसी, सभी न्यायालय, सभी जांच एजेंसियों को खरीद लिया है और आज धर्मगढ़ का सरकार और शासन प्रशासन चला रहे हैं। तो आने वाला 2024 में हम लोग केंद्र सरकार को केंद्र सरकार से उखाड़ के देखेंगे और जान करके भी पूरा हमारे गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन फिर से हम लोग बहाल करेंगे। जय झारखंड। बिल्कुल, देखिए साफ साफ चेतावनी है केंद्र सरकार को कि अगर मुख्यमंत्री को परेशान करने का प्रयास किया जाएगा और जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, इस चीज को अगर इस सिलसिले को नहीं रोका गया तो इन लोगों के द्वारा और भी उग्र आंदोलन की जाएगी। इनका जो है इस तरह से चेतावनी है।